नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। व्यूवर्स, अभी वक्त निश्चित रूप से थोड़ा विकट है, सबका मन असहज है, लेकिन इस खाली वक्त में अगर कुछ ज्ञान की बातें हो जाए जो आपके भी काम आ सके तो हो सकता है इस वक्त का सदुपयोग आप कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। आज हम ज्योतिष की बात करेंगे और ज्योतिष में, ज्योतिष की विभिन्न विधाओं में केपी एस्ट्रोलॉजी यानी नक्षत्र विज्ञान की जो पद्धति है उस पर बात करेंगे। लेकिन आज खास बात यह है कि आज ज्योतिष की मैं उस विदुषी साधिका से आपका परिचय करवा रहा हूं जो न सिर्फ अपने क्षेत्र में निपुण है बल्कि जिनका अनुभव बोलता है, तर्क के साथ अपना विवेचन करती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बात समझ में नहीं आने पर जैसा अक्सर ज्योतिष पतली गली खोजने लगते हैं वैसा ये विदुषी साधिका नहीं है, यानी तार्किक है, प्रभावी है, विवेचन बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात लेखिका है। इनकी 3-4 पुस्तकें आ चुकी है जो आपके लिए भी ज्ञानवर्धक हो सकती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक तरह से केपी एस्ट्रोलॉजी का जो चलाती है, यानी शिक्षण कार्य में, ज्योतिष के शिक्षण कार्य में लगी है और टेरो कार्ड में भी जिनको विशेष विशेष महारत हासिल है। एक छोटा सा परिचय मैंने उनका आप तक पहुंचाया है, बाकी तो परिचय जब उनसे मेरे सवाल जवाब होंगे उनके ज्ञान का, उनके विवेचन से परिचय आपको खुद मिल जाएगा। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रही हैं गुड़गांव से श्रीमती मैना भटनागर जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी की विदुषी साधिका है। मैना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार मैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके कुछ वीडियो सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हमारे व्यूवर्स तक आपका परिचय जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष के कुछ अभिन्न मित्र जो बहुत तर्कसंगत बात करते हैं उनकी कतार में आप खड़ी हैं, इसलिए आज हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज में हमने आपको जोड़ा है, आप आई हैं, आपका स्वागत। आज मैना जी किस विषय को लेकर के आप विवेचना हमारे व्यूवर्स तक प्रस्तुत करेंगे? आज मैं विवाह के बारे में बात करना पसंद करूंगी, क्योंकि अभी मेरी जो नई किताब है जी, उसका नाम है अनलॉकिंग लव मैरिज डिवोर्स, यानी कि विवाह, विवाह विच्छेदन और प्रेम। इसको, इस पर कृष्णमूर्ति पद्धति से समझना, प्रिडिक्शन करना, उसका समय निकालना। बिल्कुल, मतलब विवाह होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा, ये सारी चीजें इस केपी एस्ट्रोलॉजी से भी आगे। जी, इससे भी आगे। जी जी जी, इससे भी आगे। मैंने इसमें लिविन भी लिया है क्योंकि ये एक नया विषय है जी। तो क्या लिविन सक्सेसफुल होगा, मतलब सफल होगा, प्रेम सफल होगा या नहीं, विवाह होगा, कितने विवाह होंगे जी 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 जी, और इसके बाद विवाह विच्छेदन की क्या परिस्थितियां होती हैं, और उसके बाद वैधता। क्या इसमें, इस एक वीडियो में हम सारी चीजें ले पाएंगे या हमें कर्मशः इस पर चलेंगे ताकि विस्तृत रूप से जानकारी व्यूवर्स तक जाती रहे? आज विवाह में आप किसको जोड़ना चाहेंगे, विवाह कब होगा? अगर हम शुरू से चले तो सबसे पहले हम लिव इन को देखते हैं, आप उसे हिंदी में क्या कहेंगे, साथ रहना। बिल्कुल, क्योंकि ये नए समाज की नई परिस्थिति है और उसमें सही गलत कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए सब भगवान का लिखा होता है। जी, 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 तो जी, कई बच्चे, यंग लोग जो हैं, जवान लोग आते हैं, नए मित्र बनते हैं और सोचते हैं कि साथ रह के देखें, परखें परखें। और देखिए कई बार माता पिता को नहीं पता होता और फिर भी ये चल, मेरे पास कितने क्लाइंट आते हैं कि वो कहते हैं हमारे माँ बाप किसी और से विवाह करना चाहते हैं लेकिन हम तो एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। तो क्या लिव इन सक्सेसफुल होगा या नहीं, इसके ऊपर कंडीशन, इसकी शर्तें क्या है। और इसके बाद दूसरा है कि कई बार लोग प्रेम में पड़ते हैं, तो क्या प्रेम सफल होगा या नहीं। कई बार जरूरी नहीं, देखिए, कि प्रेम सिर्फ विवाह के उससे हो रहा हो। आज के समाज में औरत आदमी काम करते हैं, मिलते जुलते हैं और विवाहित होने के बाद भी प्रेम करते हैं और कई बार उनका अपना प्रेम अपने स्तर पर उचित होता है। जी, तो हम जी, सोचते हैं ना कि ये प्रेम ठीक नहीं है, पर जो प्रेम करते हैं वो प्रेम को समझते हैं। तो वो भी परिस्थितियां हैं कि क्या प्रेम सफल होगा या नहीं।
जी एक ज्योतिषी के लिए बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल उसको ये मान के चलें कि ये भगवान का लिखा है। इंग्लिश में मेरा एक, जब मेरे से कोई पढ़ने आता है तो मैं उससे ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल निर्विकार रूप से इसको देखें, आप अपना अपनी कोई भी सोच ना रखें। तो हम उससे भी देखते हैं कि देखिए उसमें मान लेते हैं कि पंचम भाव के उप नक्षत्र स्वामी, ये एक मान जी एक ही विषय लेते हैं कि प्रेम है, कि जी अगर पंचम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का अपने नक्षत्र स्वामी से चौथे भाव से संबंध हो जाए, 12वें से संबंध हो जाए, छठे से संबंध हो जाए, तो प्रेम नहीं चलता, मतलब क्योंकि वो उसको बारवा निगेट करते हैं, वो उसमें बाधा देते हैं। बाधा देते हैं, क्योंकि जी बार लाइन कट गई थी। हाँ कंटिन्यू। हाँ, तो छठे भाव का अर्थ है कि लड़ाई झगड़ा होगा। जी तो पहले कृष्णमूर्ति पद्धति की एक बहुत ही सटीक बात है कि पहले हम ये देखते हैं कि बात बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि मान लीजिए आप नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, या आप किसी से प्रेम करते, तो या आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं मन में और चाहते हैं कि वो फलित हो, जी तो क्या वो बात होगी या नहीं, उसके बाद ही हम समय देखेंगे। जी आप किसी से मिलने के लिए घर से चल तो पड़े, लेकिन क्या वो आपको मिलेगा, पहले तो हम ये देखेंगे, उसके जी बाद देखेंगे कि कितने बजे मिलेगा। तो उसी तरीके से प्रेम के ऊपर है कि जब हम देखते हैं कि प्रेम फलित होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से घर उसमें शामिल हो रहे हैं। मान लीजिए चतुर्थ भाव नहीं आ रहा लेकिन छठा घर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेम में कंटिन्यूअसली लगातार झगड़े चलते रहेंगे। चौथा भाव आ रहा है तो प्रेम खत्म हो जाएगा। छठा और 12वां दोनों आ रहे हैं तो दोनों ही किसी समय आगे पीछे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और कब अलग अलग हो जाएंगे इसको दशाएं बताती हैं। ये जी तो सिर्फ एक व्यक्ति, एक पुरुष और स्त्री के प्रेम की कहानी है, लेकिन इससे भी ज्यादा हम जाते हैं कि कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मेरा प्रेमी विवाहित है, तो उसकी भी कंडीशंस हैं कि अगर आपका दूसरा घर आ जाता है प्रेम में तो जो अगला व्यक्ति है वो विवाहित है। जी तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं प्रेम से, फिर हम उसका स्वभाव भी देख सकते हैं, फलित होना देख सकते हैं, अगला विवाहित है या नहीं है, प्रेम सुख से चलेगा या टूट जाएगा, पीछे पहले कौन हटेगा, इस तरह से हम फिर मैंने उसके जी बाद इसमें हम एक देख। एक सवाल मेरा ये बनता है कि पंचम भाव आपने माना है, बिल्कुल ये प्रेम का अफेक्शन का भाव है, लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी भाव से दूसरा भाव उसके भाव को बढ़ाता है, तो क्या जी बिल्कुल छठे सर, भाव को आप प्रेम में बाधक मानते हैं या कारक मानते हैं? देखिए छठे भाव को मूल रूप से हम इस तरह से नहीं नकार सकते, क्योंकि है तो वो लड़ाई झगड़े का भाव ना, जी तो इंक्रीज है, लेकिन क्या दे रहा है हमें साथ में, और इसके बाद में मनमुटाव हम दे रहा थोड़े है। से मन मुटाव देख रहा, और हम घर भी ग्रह भी देखेंगे कि जी किस तरह के ग्रह ने उसको लिया है। तो देखिए छठा भाव अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से चौथा भाव या दसवां भाव कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचम का दसवां अष्टम है, जी वो भी आएगा। जी, हाँ तो कहने का अर्थ है कि प्रश्न हमें सब कुछ बताता है, पर ज्यादातर इसमें होरेरी इसलिए सफल है क्योंकि वो एक खास परिस्थिति को लेके चल रहा है। जो हमारा जन्म पत्री है वो हमारे स्वभाव को, उसके होने को और समय को दर्शाती है, जी लेकिन देखिए जीवन तो बहुत बड़ा है ना, संबंध कितने होते हैं, तो वो एक संबंध को लेने के लिए फिर हम वहां पर प्रश्न बोलेंगे, और ये प्रश्न कृष्णमूर्ति पद्धति का या पराशर की एक, मतलब मैं कहूंगी एक बहुत ही अमूल्य चमत्कारिक भाग है पद्धति है। जो, जी हाँ बिल्कुल चमत्कारी है। आप इससे कुछ भी देख सकते हैं, दुनिया में किसी भी घटना को देख सकते हैं। जी तो इस प्रेम से, ये जो हम प्रेम का प्रसंग ले रहे हैं, ये जी मतलब 5 आने से 11 आने से, जो उसके कारक भाव आने से वो प्रेम बता देगा। कई बार होता है एक तरफा प्रेम होता है, सामने वाला उससे जी अफेक्शन नहीं रखता, ये भी बता हाँ जी देगा कि सामने वाला आपको चाह रहा है या नहीं चाह रहा। अगर चाह रहा बिल्कुल है तो सर, दशा अवधि में कब आपका प्रेम फलित होगा, ये चीज वहां से पकड़ में आ जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि हम 11वें से भी देखेंगे, क्योंकि 11वां दूसरे का प्रेम है, सप्तम का पंचम है वो, तो जी हम टैली करेंगे। अगर हमने अपनी इच्छा देखी है तो हमने ये भी देखना है कि क्या वो दूसरे की इच्छा भी हमारी इच्छा है या नहीं, जो आपने कहा वही बात दोहरा रही। जी
और जो दोनों बातें सातवां भाव एक्टिवेट हो जाए तो ये प्रेम विवाह में भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेकिन हम दोनों तरह से देखेंगे, हम सप्तम को भी देखेंगे। देखिए इसमें प्रश्न बहुत मैटर करेगा कि प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न क्या है। जी कई बार संबंध सिर्फ संबंध होते हैं तो वो अपना कैजुअल रखना चाहते हैं, विवाह नहीं करना चाहते, तो आप देख के आश्चर्य करेंगे कि उसमें सप्तम भाव एज एक शारीरिक संबंधों के भाव में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिर उसमें दूसरा भाव नहीं आएगा। जी, पर अगर मैना जी रूहानी संबंधों, आत्मिक संबंधों, दो संबंध होते हैं, एक तो आत्मिक और एक शारीरिक। कई बार प्रेम शारीरिक संबंधों के लिए होता है, शारीरिक आकर्षण के लिए प्रेम होता है, और वो वहां पर जाकर के वो प्रेम की आंच ठंडी हो जाती है। लेकिन जो रूहानी प्रेम होता है उसमें उम्र बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरती बढ़ने या घटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूहानी प्रेम जीवन पर्यंत तक चलता है। तो रूहानी प्रेम को आप किस खांचे में देखेंगे, 9 नंबर को देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताऊं इसका एकदम ज्योतिष में सटीक जवाब है। आप देखिएगा इसमें या तो सिंह राशि आ जाएगी या सूर्य आ जाएंगे। आत्मिक, आत्मिक अगर होगा, क्योंकि सूर्य से ज्यादा पवित्र तो कुछ भी नहीं है। जी जी, और अगर शारीरिक है आप देखेंगे इसमें शुक्र आएगा, राहु आएगा, या शुक्र या मंगल का योग आएगा। ग्रह अपने आप बोलते हैं जी, ग्रह के कारक भाव खुल के आ जाते हैं एकदम सामने। जी 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 जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इससे यह भी पता चल जाएगा कि कई बार प्रेमी छुपाते हैं कि वो शादीशुदा हैं या नहीं है। हाँ। वो खेल खेलते हैं दिल के साथ, तो ये भी पता चल जाता है कि आपके साथ जो प्रेम कर रहा है वो शादीशुदा है या नहीं है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपको शादी के झांसे दे रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से विवाहित है। ये नहीं, आपको एक और भी बात बताती हूँ कि अगर नवा भाव आ जाए तो प्रेमी के और भी प्रेम चल रहे होते हैं, क्योंकि नवा भाव सप्तम भाव का 3/11 है, वो उसको और जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, वो एक्सटेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्योतिष में सब कुछ है। जी 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 जी, एक बहुत अच्छा संदर्भ आपने लिया है और होरारी के आधार पर लिया है कि 1 से लेकर के 12 खाने में कौन कौन से खाने एक्टिवेट होते हैं, तब आपका प्रेम फलित होता है, आपका प्रेमी कैसा होता है ये पता चलता है। प्रेम आपके दिल का एक तरफा है या सामने वाले के मन में भी कुछ चल रहा है ये पता चलता है, और प्रेम विवाह की शक्ल लेगा या नहीं लेगा ये भी पता चलता है। अब और इसमें एक बात आपको जरूर कहूंगी कि प्रश्ना की एक बहुत सुंदरता ये है कि प्रश्न पूछने वाले का भाव, कई बार जैसे मैंने आपको बोला कि लोग उसको कैजुअल लेवल पर रखना चाहते हैं तो वो उस तरह का प्रश्न है तो वो उत्तर भी वही आएगा। कई बार जैसे आपने बोला कि लोग, ऐसा प्रश्न मेरे पास आता है कि लोग कहते हैं कि मतलब मेरा प्रेम तो आत्मा का प्रेम है, मर के ही जाएगा, वो भी आता है। और कई बार लोगों को शक होता है कि मेरे अलावा इसके किसी और से संबंध है या नहीं, वो भी बात आ जाती है। तो सिर्फ अगर सिर्फ प्रेम को ही लेके चले तो उसके भी कितने विभाजन हो जाते हैं। इसके बाद जैसे लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मैं जिसको डेट कर रही हूँ, जैसे मेरी दोनों पुस्तकों में अलग अलग, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, एक्चुअली सच बताऊं तो मैं अपने क्लाइंटों का भी बहुत धन्यवाद करूँ क्योंकि वो भी ज्योतिष सिखा के जाते हैं। तो जब तक प्रश्न अपने आप में एकदम मूल होता है आप उसको बना नहीं सकते, और जब तक आपके पास पूछने वाला अपनी दुख तकलीफ लेके आता है तो वो प्रश्न एकदम सत्य होता है जी, और सत्य का ही उत्तर जो है वो प्रश्न है, आप उसको बना नहीं सकते। तो ये भी होता है कि मैं जिसके साथ हूँ क्या वो मुझसे विवाह करेगा या नहीं, तो देखिए उसमें घर अलग बदल जाए। अगर कैजुअल रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसमें सेकंड हाउस का रोल दूसरा है, और अगर कोई ये पूछ रहा है कि मुझसे प्रेम करता है वो मुझसे विवाह करेगा या नहीं, तो दूसरा अगर नहीं है तो दूसरा घर आएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा घर परिवार है। आप किसी से विवाह करते हैं तो आपके परिवार में एक व्यक्ति का आना होता है, जुड़ना होता है जी। तो बिना दूसरे भाव के आए विवाह होगा ही नहीं, मतलब कुटुंब का बढ़ना हो गया वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा घर जो है वो परिवार का बढ़ना है। लेकिन एक बात इसमें आती है मैना जी, ये 7th भाव का अष्टम भाव भी हो जाता है जी। तो आपका जो जीवन साथी होता है, आपका पार्टनर होता है,
उसके लिए अष्टम होता है, तो क्या उसे नहीं, आप नहीं वो आपके आपके सप्तम भाव का अष्टम नहीं है, वो आपके सप्तम भाव का दूसरा भाव है, आपके पत्नी का वो परिवार है, तो उनमें भी तो आप जुड़ गए ना। नहीं मैं वो लगन का दूसरा है, लगन का दूसरा भाव जो हमारा सेवंथ का अष्टम हो गया ना। हाँ जी वो कह रहा हूँ। अच्छा लेकिन उसको जोड़ते हैं क्योंकि वो परिवार है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरे दूसरे विवाह में हम फिर अगर किसी का दूसरा विवाह है तो वो उसको दूसरी तरह से जोड़ेगा। उसकी अलग नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। केपी में जो दूसरा भाव है हम उसकी चर्चा अगले करेंगे, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम प्रेम ही लेके चल रहे हैं, तो मतलब ये है कि अगर प्रेम विवाह का अगर प्रश्न है तो सप्तम में दूसरा भाव जरूर जुड़ेगा जी। अगर कहीं ऐसा हो मीना जी, अपनी प्रेमिका से या प्रेमी से कह रहा हो कि मेरी शादी तो है ऑलरेडी, लेकिन हम बिना शादी के ही अपना जो है जीवन साथ में रहे गुजारना चाहते हैं, मतलब वो उसकी जो प्रेमिका है, ये प्रेमी है, वो अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहा है, लेकिन उनके अपने रिलेशन बने हुए हैं जी, तो वो दीर्घ अवधि तक जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको आप कहाँ से, फाइव से ही देखोगे? हाँ पंचम से देखेंगे, इसमें अगर चतुर्थ भाव आ गया तो निश्चित है कि किसी समय टूटेगा, और अगर वो विवाह नहीं कर रहे तो ये निश्चित ये भी है कि दूसरा घर नहीं आएगा। मैंने इसमें एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर का चार्ट लिया है, दो लोगों का चार्ट लिया है, जिसमें मैंने ये प्रूव किया है कि उन्होंने शादी नहीं करी, वो किसी न किसी प्रेमिका के साथ रहे हैं और उनके बच्चे भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी रूप से विवाह नहीं किया है, तो उनके जो विवाह के घर पूर्ण रूप से नहीं आते, क्योंकि मतलब मैंने दो नंबर नहीं आया, वो कुटुंब नहीं आया, कुटुंब पांच और सात सब आया है, क्योंकि पांच में अफेक्शन है, सात में शारीरिक संबंध है, ग्यारहवां आपकी इच्छा है और सप्तम का पंचम है। अच्छा एक चीज इसमें, जो ट्वेल्थ भाव है इसे बिस्तर सुख, सैया सुख भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। हाँ जी, तो क्या इसका भी आप इन्वॉल्वमेंट देखते हैं इसमें? देखिए इसको पराशर से ज्यादा देखा जाता है, लेकिन जहां तक मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि ये देखा जाए तो सैया सुख है, लेकिन ये अनैतिक सैया सुख ज्यादा है। जी जी जी, क्योंकि ये शरीर का लॉस है, आप कुछ भी कहिए ये शरीर का लॉस है, ज्यादातर तो ये निद्रा भाव में पूर्ण निद्रा भाव का भाव है, ये लॉस का भाव है। जी जी, अब चूंकि शुक्र वहां जाके उच्च के हो जाते हैं, इसलिए भी उसको लोग जो है मतलब वैदिक में मान के चलते हैं कि ये शैया सुख है, लेकिन है तो ये नुकसान का घर, और ये विवाह विक्षेद में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी आता है और स्कैंडल में भी आता है, अगर पांच आठ बारह उसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ी बदनामी का कारक भी बनता बिल्कुल, है। बिल्कुल रेप में भी है ये रेप में भी है, रेप में भी है, बिल्कुल जबरदस्ती भी है इसमें। यस यस। अच्छा इसमें आप लगन का मतलब एक नंबर का भाव भी जुड़ता है? लगन तो जुड़ेगा तभी कोई घटना होगी। कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से जो लगन है वो सिर्फ प्रेम विवाह में आती है जी, वरना जो पहला भाव है वो दूसरे का बारवां है। अगर आप प्रेम विवाह का प्रश्न पूछ रहे हैं और विवाह के घर आ रहे हैं और उसमें लगन भी आ रहा है तो वो प्रेम विवाह है, वरना एक छह और दस जो है वो विवाह विक्षेद के घर। ये बड़ा क्लियर कट रूल है। कृष्णमूर्ति पद्धति की सुंदरता यही है कि उसमें रूल बिल्कुल, नियम बिल्कुल सटी और सुलझे हुए हैं। जी जी जी, मैना जी अगर हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उनको अपनी जन्मांक तारीख देने की आवश्यकता नहीं है, अगर उनको अपने प्रेम संबंधित सवाल होरारी से पूछने हो, प्रश्न से पूछने हो जी, तो एज ए प्रोफेशनल आप उनकी सेवा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं करती हूँ, मैं इसे प्रोफेशनल तरीके से ही करती हूँ। जी जी, आज का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण रहा है व्यूअर्स, हम इस शादी से जुड़े
बहुत सारे प्रसंगों को एक एक वीडियो मिलेंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ा न हो और छोटे वीडियो में आप समझते हुए चलें और नेक्स्ट डे फिर नए वीडियो में हम दूसरी चीज को लेंगे। इसी संदर्भ से फिर प्रेम के साथ और आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपका अपने जीवन में प्रेम संबंधित कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैना जी का नंबर रहेगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। होरारी एस्ट्रोलॉजी मतलब जहां आपको अपनी जन्म तारीख बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जिस समय सवाल करेंगे वही सवाल का जो समय है वही आपकी डेस्टिनी बताएगा, वही आपके प्रेम की परिभाषा को बताएगा कि आपका प्रेम कितना फलित होना है या नहीं होना है। मैना जी हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए मैना जी का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैना जी की जो बुक्स हैं जो ऑनलाइन में भी उपलब्ध हैं उनकी पूरी लिंक आपको मिलेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो आप उन पुस्तकों को पढ़िए। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मैना जी से संपर्क कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन भी शायद ये सेवा देती है तो आप उनसे सीख सकते हैं। अगर आप उनसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। मेरा काम एक विज्ञ ज्योतिष से एक ज्योतिष के क्षेत्र की विदुषी साधक या साधिका तक आपको पहुंचाना है और अब आपके प्रश्नों का समाधान उनके माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमारी आज शुरुआत हुई है, शुभारंभ है अक्षय तृतीया के दिन। ये सफर बहुत लंबा चलेगा और बहुत सारे संदर्भों पर मैना जी के साथ हम बातचीत जारी रखेंगे। मैना जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैना जी हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, हमारे चैनल के सभी व्यूवर्स की तरफ से। मैना जी आवाज आ रही है? आ रही है संजय जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप हमेशा हमारे आप हमेशा हमारे चैनल के लिए आप अतिथि, सम्मानीय अतिथि रहेंगी क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं। आपके ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और इसलिए हमने आपको आमंत्रण दिया और मुझे विश्वास है कि व्यूवर्स भी इसकी अनुमोदना करेंगे। व्यूवर्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बात आपसे दरखास्त करूं, मैना जी का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, हम उसकी लिंक भी आप तक देंगे, आप वहां भी जाइएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे विषय आपको वहां पर भी मिलेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घर में रहिएगा, मस्त रहिएगा, सेफ रहिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।